2 साल से झारखंड में हमने मूवमेंट चलो स्टूडेंट के लिए कि किस प्रकार हमने राज्य में गैर राज्य के स्टूडेंट या फिर गैर राज्य के आदमी मोटा रकम दे के हमने सीट कीन ले हो, तो ओकरे लेके ये मूवमेंट स्टार्ट भला है। लेकिन हमने कभी उम्मीद ना ले कि हमने कभी बेंगलोर पहुंच गई, हमने किस बात की उम्मीद ना ले कि हमने कभी मुंबई जब फिल्म सिटी में अपना लोग भीड़ के सुनता है। तो कहीं ना कहीं एक एक को कारण पीछू सामने आवा है कि जितना भी झारखंड है आज जब से 23 साल भर गए झारखंड बनल बाद आज कहीं ना कहीं हमने के लगातार दोहन कर लिया। हमने यहाँ की ना है बताओ, आखिर हमने यहाँ की कराइए कंस्ट्रक्शन के काम कराइए तो झारखंड में कि कंस्ट्रक्शन के काम न करे दुनिया भर के है। लेकिन स्थानीयता के कारण की हो झारखंड में जितना भी कंस्ट्रक्शन के काम हो जितना भी बड़ा बड़ा ठेका के काम हो मैक्सिमम तो गैर झारखंड के लोग करो। जब गैर झारखंड के लोग करते तो जाहिर सी बात हो अपन लेबर भी अपन क्षेत्र से लेके तो बोकारो प्रखंड गोमिया उम्र 18 साल ना प्रखंड 18 तो उम्र 19 नाम नाम गोमिया वालों के तो जा लाल जी सो रहे गरम कारेडी पोस्ट वर्तन का थाना आंगो जिला रंगा प्रखंड मांडू। अच्छा मांडू सही ना। सुभाष कुमार महतो जिला हजारीबाग विष्णुघाट प्रखंड अचल जामो। मैडम संजय मरांडे हमें प्रखंड मंडो जिला रामगढ़ मंडो। उधर उधर एक उधर छोड़ लो तोर 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 नाम तोर तोर सुशील मरांडे सुशील तोर उम्र कहते हो रुक कह दे 16 साल 18 चलो ना बाणापुर थाना प्रखंड नाम रहमुद्दीन अंसारी सटले हो कितना दूर आना नहीं पड़ता, पढ़ाई लिखाई करके भी वो रोजगार कर सकते थे। लेकिन वो चीज जो वो शैली है वो झारखंड में क्यों नहीं हो रहा, इस पे आप थोड़ा सा बिल्कुल कहा जाता है ना कि ये शौक तय नहीं करता है कि इंसान को कितना तक पढ़ना है, ये हालात तय करता है उसे कितना और कहाँ तक पढ़ना है। तो ये उनके हालात है जो आज इन्हें पढ़ाई को बीच में रोक कर यहाँ तक आना पड़ा। बाकी लोग बड़े बड़े बात करते हैं लेकिन हालात तय करते हैं। देखिए मेरा मानना है कि राज्य सरकार जब बनती है चाहे गठन होता है तो उन्हें एक अपने सभी विभागों की एक टीम बनानी चाहिए और उनके साथ में बैठकर चर्चा परिचर्चा करनी चाहिए। अगर सुरक्षा के विषय है तो सुरक्षा के लिए जो अनुभवी लोग हैं उनकी एक सलाहकार की टीम बननी चाहिए, उनसे उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर प्रवास मजदूर की समस्या है और राज्य झारखंड राज्य यहाँ से आने के बाद हम लोग कर्नाटक की स्थिति को जानने का प्रयास किए हैं तो यहाँ तो स्पष्ट है कि मतलब जो स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता है। लेकिन झारखंड एक मात्र राज्य जिसमें ये पहचान ही नहीं हो पाई कि झारखंडी है कौन। अच्छा। इसीलिए लगातार उनके अधिकार को छीना जा रहा है, लगातार लोग कहीं से भी आते हैं, थोड़ा सा चालाक लोग हैं, उनके पास धन बल है, कुछ पैसे देकर घूस देकर रिश्वत देकर उनके कामों को झटक लेते हैं। जब वो एक जगह अस्थायी होते हैं तो फिर अपने रिश्ते नातों को लाकर घुसाने का प्रयास करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के साथ छलने जैसा काम हो रहा है। तो मेरा मानना है अगर कोई मजदूर रहे तो अपने राज्य की सीमा में मजदूरी करे ताकि अपने परिवार को दो वक्त समय दे सके, दो वक्त की रोटी कमा सके। अधिकारी बन के जिला से राज्य से बाहर जाए तो आपत्ति नहीं। दादा आप देखे होंगे, आप बेंगलोर शहर अगर आए तो घूमे भी होंगे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्नाटक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही हाई लेवल का है। तो झारखंड हमको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि यहाँ का जो लीडरशिप है, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं झारखंड से बेटर होगा, तभी यहाँ का जो भी लोग है या इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप किया है। तो इस तरह का पॉलिटिकल विलनेस क्या झारखंड में जग सकता है ताकि वहाँ का लोगों का विकास हो सके, वहाँ के लोगों को पलायन ना करना पड़े। हाँ निश्चय ही बदलते झारखंड इन चीज़ों की डिमांड्स कर रहा है कि वहाँ भी इस प्रकार की सुविधाएं हों, इस प्रकार की जो इच्छा शक्ति हो पॉलिटिशियन में, वहाँ जो भी कार्य करने वाले IAS हो। तो इससे क्या होता है कि राज्य में एक बदलाव का संकेत देखने को मिल रहा है। तो मुझे मेरा भी मानना है कि जिस प्रकार के
यहाँ पर आप देख रहे हैं बुनियादी ढांचे तैयार किए गए हैं, जिस प्रकार के टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ के विकास के कार्य के लिए किया जाता है, और जिस प्रकार यहाँ की गवर्नेंस बहुत अच्छा कार्य करती है अपने राज्य के हिसाब से, जो भी गवर्नमेंट आप देखें। लेकिन केवल झारखंड इसलिए नहीं स्टेबल हो पाया है क्योंकि वहाँ झारखंड के लोग मैक्सिमम नहीं है, वहाँ जितना भी जहाँ कार्य होता है, जैसे ठेकेदारी की अगर बात करें, क्योंकि आज सारा चीज ठेकेदारी सिस्टम में है, पुल का हो या फिर कोई मेट्रो का हो, सब जगह ठेका चलता है, तो वहाँ मैक्सिमम गैर झारखंड के लोग ठेका लेते हैं। तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, मिलावट का काम ज्यादा करेंगे, और मिलावट का काम ज्यादा करेंगे, भ्रष्टाचार ज्यादा पनपता है। इसीलिए जब तक झारखंड में झारखंडी आइडेंटिफाई नहीं होगा, जब तक उस राज्य के मूल निवासियों को अधिकार नहीं मिलेगा, विकसित होना, विकास के रास्ते पर जाना असंभव दिखता है। नजर भारत देश का सबसे बड़ा विधानसभा बेंगलोर में है, सबसे बड़ा विधानसभा, और बेंगलोर जैसे शहर में चारों ओर मेट्रो दौड़ रही है, लेकिन झारखंड में देखा जाता है कि जहाँ पे कोयला मिलता है, जहाँ पे सोना मिलता है, वहीं पे पटरियां बिछाई जाती है, वहां से पटरियां बिछा करके संसाधन को खींचा जाता है, निकाला जाता है, लेकिन पब्लिक का आवागमन के लिए, उनका मार्केट आने जाने के लिए, चाहे और भी सुविधा के लिए, ट्रेन का पटरी नहीं बिछाया जाता है। किस रूप में देखते हैं? हाँ बिल्कुल, आप उस चीज को देख सकते हैं। जैसे आप देखिए हजारीबाग के जो मेन क्षेत्र है वहाँ ट्रेन नहीं है क्योंकि वहाँ कोल्स नहीं था। आप धनबाद में देखिए, धनबाद के गली गली में आपको जहाँ जहाँ कोल्स है वहाँ ट्रेन बस चुकी है। तो इसका उद्देश्य था कि जो हमारे मिनरल्स हैं उनको ट्रेन के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बाहर करके बड़े पूंजी के और बड़ी लागत के साथ व्यापारियों को बेचा जाए, उद्योगपतियों तक पहुंचाया जाए, और इसी कारण क्या हुआ, राज्य का दोहन करने का काम किया। तो अब बदलता झारखंड, बदलते नौजवान आने